गाइस तो हाय गाइस मोस्टली वेड हियर एंड मनीष राजन सौरभ ये कौन है कौशल भाई और पहलवान और हम लोग रेडी हैं। हमारी ट्रिप है, बनारस जा रहे हैं हम लोग काशी। और हमारी हम अमीरों ने अपनी जो ट्रेन है वो किस में करी है राजन भाई? गरीब रथ में करी है हम अमीरों ने। तो हम लोग उससे आएंगे, हमारी 10:30 की ट्रेन थी, लेट हो गई है। तो हम लोग के साथ ब्लॉग पे बने रहें, ब्लॉग अपलोड करूँगा, पूरा टूर अपलोड करूँगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे। और ये मनीष है, एज़ यूज़ुअल जैसे वो एक्टिंग करता हुआ जाता है वैसे ही आगे निकल गया। गाइज क्योंकि हमारी ट्रेन अभी 2 घंटे लेट है तो हमने जंक्शन पे, बरेली जंक्शन पे, झुमका जिला पर तो हम लोगों ने थोड़ी पेट पूजा कर ली। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो अब हम चलेंगे आगे। भूख तो सिर्फ राजन को लगी थी, खास अपने लिए है। राजन नहीं, मनीष को लगी थी। और मनीष इस समय काफी नहीं, वही राजन कर रहा था जो मैसेंजर में कर रहा था, वही कर दू। बहुत ही तेज से प्यार आ रहा है, पता नहीं किसे चैटिंग में लगाया आज। भाई हे गाइस, तो हम लोग बनारस पहुंच गए हैं। सुबह 11 बजे पहुंचे थे और हम लोगों ने ऑनलाइन जो होटल किया था, हमने वो उसने देने से मना कर दिया, बोला हमारा फुल हो चुका है। उससे थोड़ी बहस भी हो गई थी, फिर हम लोग काफ़ी धोखा दिया हमें। एक्चुअली काफ़ी परेशान रहे हम लोग होटल के लिए। अब जाके हमें एक होटल मिला, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हम लोग स्टे किए। और अब हम जा रहे हैं सीधे, कहाँ जा रहे हम लोग? घाट पर जा रहे हैं। पहले वहाँ पर नहाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। नहाने के बाद खाएंगे, नहीं दर्शन करेंगे फिर कुछ खाएंगे। तो साथ में बने रहिए, थैंक यू गाइस। और आ चुके हम लोग काशी। देखिए दो पहिया वाहन पार्किंग कितनी बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया टकराने समझ गए। ठीक है, मानना नहीं है। कैसा लग रहा मनीष? और भाई कैसा लग रहा है कौशल? बढ़िया लग रहा है, नहाने आ रहे हैं अभी। मजा आ रहा है, अब मजा तो हम लोग आ रहा है क्योंकि मनीष को कुछ वो पीछे वो मनीष चिल्ला रहा है गुस्से में। सौरभ और मनीष की तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी क्योंकि मनीष ने कुर्ता खरीदा, मनीष का उसमें कम से कम 100 रुपये का कटा, तो मनीष चाहता था हमारा भी कटे। मनीष बैठ गया अनशन पे और उसने हम चारों को, पाँचों को फिर कुर्ते दिलवाए। तो मनीष अब काफ़ी खुश है। मनीष कैसा लग रहा है हम पाँचों का कटवा के? फील रिलैक्स ना। तो हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और आ रहे हैं। गिर मत जाना, इसलिए तो चप्पल ली भाई। वाओ यार वाओ, भाई ये क्या, भाई गलत तो नहीं आ गया ना? भाई ये नाने की तरह का। मनीष कैसा लग रहा है यार? उधर का पानी आ जाओ। राजन भाई कैसा, थके से लग रहे हो? राजन भाई थक चुके हैं। कौशल और हम लोग लाइफ जैकेट पहन के बैठ गए। घाट है 10 साल वेद घाट है, अरे 80 घाट बोलना नहीं आ रहा घाट यार। शीतला घाट है और अब हम लोग जाएंगे बोटिंग करते हुए और वहाँ जाके डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे। गाइस हम लोगों ने जो कुर्ते खरीदे थे जिसमें लड़ाई करी थी और प्रॉपरली कटवाया था मनीष ने हमारा, हम पहन रहे हैं। सौरभ कुर्ता पहनना है यार, पहन रहा भाई। तो पहन ले, इधर से मनीष ने भी कुर्ता पहन लिया है। मनीष अपने बाल काट रहे हैं। मनीष यार मुझे दे दे थोड़ा सा, मैं बाल काटनी थी। एक मिनट पहले मैं गाइस, अब हम लोग यहाँ आरती के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे अब लोग, अब आरती हो रही है यहाँ पर, हम लोग आरती देखेंगे। भैया थैंक यू। Yeah।
गाइस हम लोग बनारस में घूम रहे हैं कुछ अच्छा खाने की तलाश में, और हम लोग ये एक मॉल है PDR मॉल, इसमें आए सोचा इसमें सोचा कोई फूड कोर्ट होएगा, बताओ ना हैं। फिर इसमें भी फूड कोर्ट बंद है और हमें कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, भूखे भी हम लोग परेशान है कि किधर जाएं। बनारस में ऐसा कुछ मिल ही रहा खाने को अच्छा। गाइस फाइनली हमें अन्नपूर्णा होटल रेस्टोरेंट मिल गया है, बहुत थक गया। और मनीष जो स्पीकर वाला ऐड आता था ना कि मौका होने के बाद में गुस्से वाला लड़ा को यार, तीन जगह लड़ चुका अब तक ये मॉल में जाके लड़के आए, सीधा जवाब ही नहीं दे रहा। ओए क्या कर रहा तू, मुझे भी उल्टा जवाब दे रहा हूँ, पूछ क्या कर रहा है के बारे में। आज भाई मोबाइल में लग चुके हैं पूरी तरीके से, मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। कल की ट्रेन का वो उसको डालना है, कोड कल की ट्रेन के लिए कोई कोई कुछ कैप्चा। और सौरभ से मैं पूछा जो है नहीं समझ रहा है। अरे मनीष भाई अभी देखने उल्टा ही जवाब देगा। मनीष भाई देख लो, पहले मैं सीधा क्वेश्चन पूछा उल्टा पर। मनीष कल कितने बजे निकलना है, बोल नहीं रहा मतलब कौशल भाई अपना साइलेंट है। कौशल भाई कह रहे जो सोचना वो करो खा लो। और अच्छी चीज़ लगी अन्नपूर्णा होटल में हम आए, यहाँ के जो ओनर हैं वो खुद ही कस्टमर से ऑर्डर देकर कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं। जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया ताकि कस्टमर से अच्छी चीज़ें देखते हैं। खाने को भी ऑर्डर किया आएगा तो शेयर भी कैसा है, अगर आप बनारस हैं तो इस होटल में या इस रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। इससे कनेक्टेड है गाइस, अभी रात का 1 बज रहा है और हम लोग बैठे हैं 80 घाट पर, बनारस के सबसे स्पिरिचुअल कहूँगा और मुझे लगता है सबसे प्राचीन और मतलब जो है सच यही है, यही सत्य है। तो ऐसा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और बेस्ट पार्ट है आज हमारे मनीष का बर्थडे है और हम लोगों ने 80 घाट पे आके बर्थडे मनाया उसका ब्लॉग में बीच में। हैप्पी बर्थडे भाई, आई होप मनीष हम लोगों ने छोटा सा जो सरप्राइज देने की कोशिश करी, हमें पता है सरप्राइज तेरा खराब हो गया लेकिन फिर भी ठीक है। सरप्राइज नहीं हो पाया, नहीं तुमने प्लान अच्छा किया तो मैं थोड़ा समझ ही गया था। हम लोग का ब्लॉग था और ये शायद हम लोग का सुबह हमारी 9:30 ट्रेन है, हावड़ा से चली है आप ये समझ लीजिए कि थर्सडे को प्लान बना के हमें बनारस आना है और सैटरडे फ्राइडे की रात में हमें निकलना था। देयर वर नो टिकट्स, कोई टिकट्स नहीं थे हमारे पास में, ना बस का तो कोई रूटिंग ही था समझ में नहीं पड़ेगा, लेकिन राजन भाई थे हमारे पास, तो ये ना मेरे पास राजन भाई हैं, हमारे पास राजन भाई थे। बरेली टू बनारस गरीब रथ से भैया ने टिकट्स कर दी, वो भी तत्काल में सबकी सब कन्फर्म। वापसी के लिए भाई ने हावड़ा से जो ट्रेन चलती है हावड़ा अमृतसर जो चलती है उसमें राजन भाई ने की, जिसमें 2 कन्फर्म हो गई। उसके बाद भी राजन भाई माने नहीं, फ्राइडे को खिड़की पर गए जंक्शन में, वहाँ से 3 वेटिंग ली जो कि वो भी क्लियर हो गई। मतलब राजन भाई का दिल इतना सच्चा है, इतनी मोहब्बत और इतनी शिद्दत है कि हमारी टिकट जो है कन्फर्म है और कल हम लोग घर वापस जाएंगे। तो घर वापसी तो शायद ये हमारे ब्लॉग का लास्ट वीडियो। Thank you.
अच्छा अभी तो ट्रेन का भी बनारस में लास्ट वीडियो होगा, बनारस में लास्ट वीडियो होगा। बहुत अच्छी मीठी यादें, कुछ कड़वी यादें लेके हम बनारस से जा रहे हैं, तो लगे रहे आप हमारे इस वीडियो के साथ में, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और हम लोग घर जाने के लिए, वापसी के लिए तैयार हो गए हैं। राजन भाई मुंह बनाते हुए कितने फिर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। और ये मेरा बिस्कुट भी आ रहा है, बिस्कुट। सौरभ तुम बिस्कुट खा रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। राजन ने मुझे बिस्कुट ला के दिए कि तुम कितने अच्छे हो। राजन बाबू, राजन तुम कितने अच्छे हो यार। और ये कौशल बैठा हुआ है,